तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के दो खिलाड़ियों के लेकर बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं बड़ी अपडेटों के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें उन बड़ी खबरों के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि सबसे पहला और सबसे बड़ा खबर निकल के आ रहा है उस खिलाड़ी के लिए जो खिलाड़ी हमेशा से चर्चा में रहा है और अभी भी रहता है चर्चा में। जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह बीसीसीआई को लेकर भी है। जी हाँ दोस्तों, यह अंदरूनी खबर निकल के आ रही है कि बीसीसीआई ने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया स्क्वाड में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उन्हें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ले जाना चाहती है टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ जाने वाले हैं तीसरे ओपनर बनकर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि रोहित शर्मा और जायसवाल के बाद तीसरे ओपनर होंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दें कि बीसीसीआई ने ऋतुराज गायकवाड़ से कहा था आप ईरानी ट्रॉफी खेलिए क्योंकि आपको जाना है बॉर्डर ट्रॉफी खेलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इसलिए बीसीसीआई ने ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल नहीं किया बांग्लादेश के खिलाफ, और ईरानी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन ऐसे में बता दें कि यह बीसीसीआई का अच्छा फैसला है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ जा रहे हैं। लेकिन बता दें कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया जाता है तो फिर से मैं यही समझूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यह सब सही हो रहा है या गलत हो रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों दूसरी अपडेट की बात करें तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है सर जडेजा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बवाल और कमाल धमाल मचा दिए हैं सर जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 4 विकेट झटके हैं रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पहले पारी में 1 विकेट और दूसरे पारी में जो कि 3 विकेट झटके हैं रविंद्र जडेजा। जी हाँ दोस्तों, बल्ले और बॉल दोनों से धमाल और कमाल मचा रहे हैं रविंद्र जडेजा। जी हाँ दोस्तों, यह चेन्नई सुपर किंग के लिए बेहद ही अच्छी खबर है क्योंकि हाल फिलहाल में अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे रविंद्र जडेजा। ऐसे में बता दें कि रविंद्र जडेजा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग रिटेन भी करने वाली है और धमाल मचाने वाले हैं आईपीएल 2025 में। रविंद्र जडेजा फिर से एक बार फिनिश करते हुए नजर आने वाले हैं आईपीएल 2025 में, चेन्नई सुपर किंग को ट्रॉफी जिताते हुए नजर आएंगे रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों आपको यह बड़ी खबरें कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।